अच्छा पहले भी कथा में काज फिर कह रहे हैं आप लोगों से, पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की है, क्योंकि जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा, और पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही। पेट भरने की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की है, पर तुम्हारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव की नहीं। अब पेटी अगर तुम्हें भरना है तो तुम अपने हिसाब से भर सकते, थोड़ा छल कर, थोड़ी बेईमानी कर, थोड़ा कपट कर, कोई थोड़ी बहुत निंदा आदि कर, थोड़ी बहुत किसी की प्रशंसा कर, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पेटी अगर बनना हो तो बात दूसरी है कि आप पेटी भरना चाहते हो, पर पेट उसने दिया है तो भरने वाला भी वही है। देवराज स्वयं जब तक कमाता था खुद के लिए कमाता था और ईमानदारी से कमाता था, पर जब वेश्यावृत्ति में पड़ने लगा, गलत काम में पड़ने लगा, तो उसको धन की दुगनी जरूरत पड़ने लगी, और धन की जब उसको दुगनी जरूरत पड़ी तब उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। तब उसने चोरी करना प्रारंभ करा, अब वो चोरी कर रहा है, अब वो धन को चुरा कर ला रहा है, अब वो धन को कहीं गलत जगह से एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है। शिव महापुराण की बात कथा एक बात और कहती है, आपके भरण पोषण की जवाबदारी महादेव की है, तो आपकी संग में अगर आपकी धर्म पत्नी जुड़ी है तो उसकी भी जवाबदारी महादेव की है, बच्चे जुड़े हैं बच्चों की भी जवाबदारी महादेव की है, माता पिता जुड़े हैं माता पिता की जवाबदारी भी महादेव की है। पर इसके अलावा अगर आप फिर किसी अन्य नारी के चक्कर में अगर पड़ते हो, फिर कहीं तुम जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं मदिरापान में, कहीं वैश्यावृत्ति में अगर आप फिर पढ़ते हो, फिर जवाबदारी भोलेनाथ की खत्म हो जाती है। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पुत्र और आपके माता पिता, बहन भाई, कुटुंब की जवाबदारी महादेव की है, पर तुम उस धन को गलत जगह पर लगाना प्रारंभ कर दिए। उसने दिया था पेट भरने के लिए, उसने दिया था बच्चों की शिक्षा के लिए, उसने दिया था, होते हैं कई लोग अभी कहीं ना कहीं लोगों को कुछ गवर्नमेंट से या प्रशासन से कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, अब वो मिला था किसी काम के लिए और मालूम पड़े लगा दिया किसी दूसरे काम में। अब सरकार ने तो पैसा दिया था आपको कि इस कार्य में लगाना, अब तुमने लगा दिया दूसरे कार्य में, अब दूसरे कार्य में लगाया तो प्रशासन अगली बार आपको कुछ देगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको दिया था मैंने इस चीज के लिए और इसने लगा दिया दूसरी चीज, अगली बार को नहीं देगा। अब नेत्र काय के लिए दिए थे भगवान ने, वो भगवान भी प्रशासन से कम नहीं हो, काय के लिए दिए थे उसने, इन नेत्रों से क्या करना भगवान का? बोलो बोलो जम के बोलो, दर्शन करना, इन नेत्रों से दर्शन करिए, इन नेत्रों से उसे पोथी पुराण पढ़िए, शिव महापुराण, रामायण, भागवत गीता, इसका स्मरण करिए। अब तुमने इस बार तो इस नेत्रों को भगवान में लगाया ही नहीं, अब पैसा दिया था मकान बनाने के लिए, पैसा दिया था खेती के लिए, पैसा दिया था लोन लिया था मकान के लिए, और मालूम पड़े बैंक वाले बाद में आए तो मालूम पड़े ना तो मकान दिखा ना प्लाट दिखा, और वो लोन का पूरा पैसा खत्म कर दिया। अब बनाना था तुमको मकान, लेना था तुमको प्लाट, करना था काम, मिला था मकान के लिए, लगा दिया गलत जगह पर, गलत जगह पर लगाया, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए तो अगली बार तक प्रशासन ने तुमको वो पैसा नहीं दिया, साहब अगली बार दिया था इसने काम में नहीं लगाया, अगली बार दिया था इसने सही जगह नहीं लगाया, तो अब की बार उसने देना बंद कर दिया, उसने देना बंद। बस यही शिव महापुराण की कथा कर रही है, यही भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। एक बार उसने देख लिया नेत्र देखकर कि इसने नेत्र सही जगह लगाया कि नहीं लगाया, अगर एक बार इसने नेत्र सही जगह नहीं लगाया फिर अगली बार तुम तैयारी कर बैठो कि नेत्र श्रवण दिया था कथा सुनने के लिए, एक बार दिया और सही नहीं गया, ये हाथ दिए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, कोई बुजुर्ग है, कोई गरीब है, कोई किसी रूप में तकलीफ में है, कहीं भजन हो रहा हो तो इससे सेवा करना, पर हाथ भी सेवा में नहीं लगे तो वो भी चलेगा। पांव दिए थे भगवत भजन के लिए, हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, हाथ दिए रे तूने दाता बन कभी नहीं दान कियो, दयालु मैंने अवगुण बहुत लियो।
पाँव दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं तीरथ कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दर्श कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। फिर संसार सागर में आने के बाद मैंने करा क्या, जब इतना सुंदर शरीर दिया और शरीर का मैंने सदुपयोग नहीं करा, फिर संसार सागर में आकर मैंने किया क्या? तो संसार सागर में आने के बाद मैंने एक काम किया कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही और दस को बीस कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में आने के बाद में इस संसार सागर में आने के बाद मैंने केवल एक काम करा, दस को बीस कैसे करा जाए उसको सोचा गया, उसका विचार किया गया। ब्लड की जांच कराने पर मालूम पड़ जाता है कि बीमारी कौन सी है, और कथा कराने से मालूम पड़ जाता है कि भक्त कितने हैं। ब्लड की जांच कराने से बीमारी का पता चल जाता है, और शिव महापुराण की कथा करवाने से, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की अविरल भक्ति की कथा कराने से यह पता चल जाता है कि इसके हृदय में भाव कितना, इसके हृदय में, इसकी चित्तवृत्ति में परमात्मा का भजन कितना आपको दिखेगा। 7 दिन आप भी यही हो, हम भी यही है। कई कई ऐसे हैं 7 दिन सुबह 7 बजे से 6 बजे से यहाँ जगह संभाल कर बैठे रहेंगे, और कई ऐसे रहेंगे 1 बजे की तब 10 मिनट पहले घर से निकलेंगे, 4-5 को दरवाजे पे परेशान करेंगे, 8-10 को रस्ते में परेशान करेंगे, तब अपनी गाड़ी बढ़ाते हुए ठोकते हुए परेशान करते हुए प्रशासन के लोगों को, चाहे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे समिति के लोग हो, चाहे जो सेवा कर रहे हैं उनको हो, 50 बार अपनी दबियत गाड़ी दिखाकर तब जाकर अंदर जाके बैठेंगे। कभी इनके जैसा तप कर देखो 5-5 बजे से, 6-6 बजे से, 7-7 बजे से, जरा देखो। बैतूल वालों के लिए कथा नहीं है, हम कहेंगे बैतूल वाले अगर कथा के पंडाल में नहीं आ सकते हैं तो एक बार रात को आकर इन भोलेनाथ के भक्तों का दर्शन कर जाना कि इनका भाव कितना शुद्ध है। ये दिखावे से नहीं आते, ये केवल 2 रोटी मिलेगी पड़े रहेंगे, नी भी मिली तो भी आपसे कहने नहीं जाएंगे कि हमको भूखे हैं या भोजन। आपको हर 2-3 घंटे में कुछ चाहिए, ये सवेरे 7 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, रात तक केवल 7 बजे से जगह संभाली, 1 बजे कथा चालू हुई, विचार करना 7 बजे से 1 बजे तक का समय, उठते हैं नहाए वापिस आकर बैठ गए, एक जैसे बैठे, क्योंकि दूसरा महापास में बैठा है तो लेट भी नहीं सकते ना आड़े हो सकते, एक जैसे बैठे हैं, एक आसन से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं 1 बजे का। 1 बजे कथा चालू हुई, 4 बज जाएगी, जब आप देखना 5-5:30 बजे आकर देखना, तब इनको थोड़ा बहुत लेटते हुए नजर आओगे। रात्रि होगी, भोजन करा, भजन करा, रात को 1-1.5 बजे तक इनके भजन कीर्तन चलते रहते हैं, फिर सुबह हुई प्रातः में स्नान करा, फिर भजन में लग जाते हैं। 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हैं, हमने तपस्वी का दर्शन करा। कोई कहता है हम संतों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम नर्मदा जी के घाट पर परिक्रमा करने वालों का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम उसका दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम साधु का दर्शन करते हैं, कोई कहता है हम तपस्वी का दर्शन करते हैं। हम कहते हैं ये भी तपस्वी से कम नहीं, ये साधु और सन्यासी से कम नहीं जो बैठकर भगवान शिव का गुणगान कर रहे, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर रहे। इतने बैठे हो लाखों में, ये कईयों के पत्र आए और ये पत्र और भी पढ़े, बेटा शुरुआत है, कईयों के आए, आप भी कथा सुन रहे हैं, ये भी कथा सुन रहे हैं। 2 अंतर इसके अंतर्गत में, एक अंतर का विशेष ध्यान रखना, जितनी देर सुनना है दिल से सुनना, घर से चलो तो कहकर आना मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने जाना है, मैं आराम से जहां जगह मिल जाएगी वहां सुनूंगी और भगवान की अविरल भक्ति को धारण करूंगी। मुझे मालूम है 7 दिन अगर मैंने कथा का रसपान कर लिया तो मेरा महादेव मेरी जरूर सुनेगा, ये निश्चित है। मुझे कथा सुन, मुझे दूसरे की व्यथा नहीं सुनना, मुझे कथा सुन, मुझे अविरल भक्ति को धारण करना, मुझे परमात्मा का भजन धारण करना। और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। कहीं कृपा, कहीं माता की कृपा और कहीं
माँ नर्मदा जी की कृपा, कहीं मेरे भोलेनाथ जी की करुणा हुई है तो बैतूल में यीशु महापुराण की कथा मिली है, नहीं तो बाबा की कहीं योग संयोग। और वो भी कथा कोई आज की नहीं है, बैतूल की कथा की अभी इनको एक साल में मिल गई और कथा की बुकिंग हो गई। आप पूछना इन परिवार से, 2 साल पहले की कथा बुकिंग है और 2 वर्ष पहले ये कथा बुक हुई थी तब जाकर। अब उस समय पर जो कथा का स्वरूप था उस हिसाब से इनने व्यवस्था के अनुसार चले, फिर कथा का स्वरूप बढ़ता गया, लाखों में भीड़ आने लगी, फिर व्यवस्था बढ़ी, तो धीरे 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 कहीं कहीं शिव ने संभाल लिया, शंकर के रूप में पूरे बैतूल वासियों ने संभाल लिया और इस कथा का आनंद शिव कृपा से। शंकर भगवान की उदारता बिना नहीं हो सकता। शिव कथा कह रहे, देवराज ब्राह्मण का पेट भरने का जवाबदारी भोलेनाथ जी की है, आपकी और हमारी पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की है, हमारे परिवार का भरण पोषण करने की जवाबदारी हमारे भोलेनाथ जी की है। पर तुम वेश्या का संग पकड़ लो और वेश्या को तुम यहां से ले जा कर देना चालू कर दो तो वो जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी की नहीं है। पूरा सुखमय तुम्हारा परिवार चल रहा है, अच्छे से तुम्हारे परिवार का गुजारा चल रहा है, और तुम्हारे परिवार के गुजारा चलते चलते जब तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं धन के चक्कर में अगर द्वेष हो रहा है, धन के चक्कर में अगर लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रहा है, समझ लेना कि परिवार का कोई व्यक्ति इस धन को जरूर कहीं गलत जगह पर लगाना चालू कर दिया, इसलिए मेरे महादेव ने देने से पहले अपने हाथ को रोक लिया, जरूर हमारा धन कहीं गलत जगह पर लग रहा है। और जिसके यहां धन आते जा रहा है समझ लेना हमारे परिवार में सब लोग भजन करने वाले हैं, सब में प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, इसलिए मालिक भी देने में कमी नहीं रख रहा, मेरा भोलेनाथ देव बहुत रहा। जब कहीं धन की कमी दिखे, जब कहीं संपदा की कमी दिखे, जब कहीं तुम्हें लगे कि धन कम हो रहा है, हमारा पैसा हमको कहीं ना कहीं कम दिख रहा, व्यापार कम हो गया, कमाई कम हो गई, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ वो पैसा गलत जगह पर जाना चालू हो गया, वो धन गलत जगह पर जा रहा है। पहचानो, गाय, लक्ष्मी और बेटी, गोमाता, लक्ष्मी और बेटी, ये 3 जब गलत जगह पर जाती है तो देने वाले को रोना पड़ता। गाय तुमने ब्राह्मण को दी, कोई दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, कोई डोकरा डोकरी निपट गया और तुमने दे दी ब्राह्मण को, ब्राह्मण लेकर गए गौमाता को, जब तक गौमाता ने दूध दिया उसको संभाल कर रखी, फिर बाद में मालूम पड़े वो गाय तीसरे को दे दी, तीसरे से चौथे को गई, चौथे से पांचवे को गई, वो बाद में गाय कसाई के हाथ में पहुंच गई। गौ माता जब कसाई के हाथ में पहुंची और कटते समय जब रोती है तो बद्दुआ देती है, वो बद्दुआ ना ब्राह्मण को लगती है ना किसी दूसरे को लगती है, जिसने संकल्प छोड़ा था गौ दान का वो बद्दुआ उसको लगती है कि तूने मुझे दान दिया था तो मैं गलत जगह कैसे पहुंच गई। उसी तरह गौ दान जिसने दिया उस दान करने वाले को रोना पड़ता है, और कन्या दान जिसने दिया और बेटी अगर किसी गलत लड़के के चक्कर में फंस गई और तुमने कह दिया साहब हमने तो जमाई अच्छा देखा था और बेटी को दुख है, बेटी ही को कष्ट है, तो उसको भी रोना पड़ता, कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता। 2 कन्या दान वाले कितने रोए हैं जरा विचार करिए इस ताप्तीसु महापुराण कथा। 1 दक्ष प्रजापति और दूसरे नंबर पर थे विश्वकर्मा जी। 2 कन्यादान करने वाले कितने रोए, ये ताप्तीसु महापुराण प्रारंभ हो गई यहां से। 2 कन्यादान वाले कितने रोए हैं अगर उन रोने वालों का स्मरण करा जाए तो 1 है दक्ष प्रजापति और दूसरे हैं विश्वकर्मा जी। भगवान विश्वकर्मा और प्रजापति दक्ष ये जो जितने रोए हैं इनके बराबर कन्यादान करने वाला, क्यों? दक्ष प्रजापति को रोना इस बात का आया मैंने बेटियों का विवाह करा, मैंने अपनी बेटी का विवाह ये चंद्रदेव के साथ में करा और चंद्र मेरी केवल 1 बेटी को चाहता है और बाकी की बेटियों का अपमान करता है। सारी बेटियां दक्ष प्रजापति के सामने आकर खड़ी हो गई, पिताजी 1 बेटी ने भी दक्ष प्रजापति से यह नहीं कहा कि हमको दुख है, बस बेटी आकर खड़ी हुई और दक्ष प्रजापति की आंख में आंसू भरे थे। एक बेटी और बाप का अटैचमेंट है, ये बेटी और बाप का हृदय है, ये बेटी और बाप का स्नेह,
ये बेटी और बाप का प्रेम है, ये बेटी और बाप का स्नेह। बाप अपनी बेटी का केवल चेहरा देखकर पहचान जाता है कि मेरी बेटी को क्या तकलीफ है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है, पिता को प्रिय होती है, उसके पापा को प्रिय होती है कि मेरी बेटी है और मेरा पापा पिता। मायके का मतलब मालूम होता है सबको? बोलो री बेतुल वाली जी जी, और जितने बेतुल के जीजा हैं वो भी बोल दो। मायके का मतलब मालूम है? जहां पर जाने पर मां और माया दोनों मेरी हो वो मायका कहलाता है। मायके में जाने के बाद बेटी कह दे पापा ऐसा, तो पत्थर की वकील मेरी छोरी ने कहा अब तो ऐसा करूंगा ही सही, अब करूंगा ही सही। मां मेरी, मेरी माता ने जो कहा है मैं उसके अनुसार करूंगा। जहां पर मां और माया दोनों मेरी है वो मायका है। शादी हो गई, दूसरी जगह चली गई ससुराल, फिर भी जब वो मायके में आए तो उसको लगना चाहिए कि जीजी तुम्हारा ही है सब कुछ, अलमारी खोल दो, साड़ी निकाल दो, लो पहन लो। पर तुम्हारे अलमारी खोल दो और साड़ी निकाल दो पहन लो, ये तो बहुत दूर की बात हो गई रही मेरी बेतुल वाली हो, बहुत दूर की हो गई। तुम्हारे कमरे में आकर अगर तुम्हारी ननन बैठ जाए तो भाभी का मुंह भगोना हो जाए, तुरंत भाभी का मुंह भगोना। ये जीजी ने अकल नहीं है क्या? पत्नी ने अपने पति से कहा, भाभी ने अपने भाई पति से कहा, तुम्हारी बहन में अकल नहीं है क्या रखती भर भी, जब देखो जब मेरे कमरे में आकर बैठ जाती है। भाई को कहना चाहिए ये सब उसका है, कुछ नहीं मांगा उसने। घर से जब गई थी पिता ने कन्यादान में जो दे दिया, एक फ्रिज, 7,000 की अलमारी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर भी ऐसा दिया जिसमें मूंगफली का दाना भी नहीं पिसाया, ये सब जो दिया था थोड़ा बहुत सामान और देकर एक बार में विदा कर दिया था। बस उस दिन लगा कि ये सब कुछ नहीं है, पर भाई को बोलना चाहिए कि तू बहन से इतना मत चिढ़, ये सब कुछ उसी का है। खुशी खुशी सब छोड़कर ससुराल चली गई, सब छोड़। सब छोड़ दिया। दक्ष प्रजापति को मालूम है मेरी बेटी को दुख क्या है, पर मेरी बेटियां मुंह से तो कहे कि मुझे तकलीफ ही है। विश्वकर्मा जी को मालूम है कि मेरी बेटी को संज्ञा को दुख क्या है, पर संज्ञा एक बार तो मुंह से कहे कि पिताजी दुख ही है। संज्ञा कौन? सूर्य नारायण भगवान की पत्नी। विश्वकर्मा जी को मालूम है मेरी बेटी संज्ञा को दुख है, और दक्ष प्रजापति को मालूम है कि मेरी बेटियों को दुख है, पर मुंह से कहे तो सही। कई बार बेटियां बोल नहीं पाती, और बेटियों को बोलना चाहिए, बेटियों को कह देना चाहिए। और पिता का प्रेम किसको कह सकते हैं, पिता की करुणा किसको कह सकते हैं। वो दिल्ली में जो श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए किसी को ज्ञात नहीं था, केवल पिता का दिल पछोड़ गया। और पिता ने सोचा बहुत दिन से श्रद्धा की खबर नहीं आई, पिता उसी समय दिल्ली पहुंच गया। फिर उसने ढूंढना चालू करा, जब कुछ हाथ नहीं लगा तब फिर पुलिस प्रशासन के पास गया, तब जाकर खुलासा हुआ उस बाप के सामने की बेटी के 35 टुकड़े हो गए। बाप और बेटी का अटैचमेंट किसको कहते हैं, बेटी और बाप का स्नेह किसको कहते हैं। बेटी की आंख में आंसू आते हैं और बाप पहचान जाता है कि मेरी बेटी क्यों रोई है, उसकी आंख में अश्रु कैसे आ गए, उसके नैनों में जल कैसा आ गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं फैशन और व्यसन, इन दो चीजों से बचने का कार्य करिएगा। ज्यादा फैशन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे, और ज्यादा व्यसन में पड़ोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। फैशन भी तुमको बर्बाद कर देगा और व्यसन भी तुमको बर्बाद कर देगा। एक जरा सा
कहीं धूम्रपान कर लिया, कहीं तंबाकू खा लिया, कहीं मदरापान कर लिया, कहीं मांसाहार कर लिया, कहीं वैश्यावृत्ति कर ली, कहीं जुआ खा लिया, फैशन भी बर्बाद करेगा और व्यसन भी बर्बाद कर देगा। इन दोनों से बचने का प्रयास करिए। जिसके घर का धन फैशन और व्यसन में दोनों में जा रहे चालू हो जाए, समझ लो धीरे धीरे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना प्रारंभ हो गई। करो, हम कभी मना नहीं करते, तुम फैशन मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा कपड़ा पहनो। अभी तो तुम यहां से फटी हुई पहनते हो, तुम पूरी फटी हुई पहनो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर निवेदन है, फैशन और व्यसन में अगर तुम्हारा धन जा रहा है, व्यसन में मांसाहार में मदिरापान में जुआ में वृक्षावृत्ति में गलत काम में तुम्हारा धन जा रहा है, तो बहुत दिन का ठिकाना तुम्हारा नहीं है। और फैशन में अगर तुम ज्यादा पढ़ने लगे हो तो भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। गलती थी, एक गलती को अपना मान सुधारो। बहुत मर्यादा से हम लोग कथा कर रहे हैं आज पहला दिन, इसलिए शांति से हमें भी देखना पड़ता है कि भगोनी के चावल कैसे हैं। क्यों बात रहे जी, सही है, देखना पड़ता है कि चावल कैसा है। हो पर चावल जोरदार तो है, जब ये तो बैठने की जगह तक नहीं बची, सब खड़े हैं पीछे ढेर लगे हुए अपार, इतना भीड़ है, सबका प्रेम। ये समझ में आता है कि आप लोगों की भक्ति बड़ी प्रबल है, भाव बड़ा प्रबल हृदय, और जो भजन का बल है यही बाबा की कृपा से आपका खूब आनंद में रहना चाहिए। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की करुणा कर रही है, पिता पुत्री का मुख देखकर पहचान जाता है, तकलीफ क्या। दक्ष प्रजापति को भी रोना आया अपनी बेटियों को देखकर, और विश्वकर्मा भगवान को भी रोना आया था अपनी बेटी को देखकर, संध्या को देखकर आंखों में जल भरा हुआ था। नयन में जल भरा हुआ दक्ष प्रजापति ने भी अपनी बेटियों से पूछ लिया था कि बात क्या है, कुछ बोलोगी तुम, तीन बार मेरे पास में सारी की सारी बेटियां आ चुकी हैं, मेरी पूरी कन्याएं आ चुकी हैं, पर तुम बोलती क्यों नहीं हो, हुआ क्या, चंद्र ने कुछ कहा तुमको, कुछ बोला तुमको? नहीं, छोटा मोटा दुख होता है ना तो ये भारत भूमि की जो मेरी बेटियां हैं छोटे मोटे दुख को तो सहन कर लेती हैं, छोटी मोटी तकलीफ को सहन कर लेती हैं, छोटे मोटे कष्ट को सहन कर लेती हैं। भारत की बेटियां बोलती तब है जब अति हो जाती है, अति जब हो जाती तब भारत की बेटियां बोलना चालू करती हैं। बोला कन्याओं ने कि ये चंद्रदेव जो हैं, हमारे पति जो हैं केवल एक रोहिणी को चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं चाहते। जो प्रसंग यहां आकर अड़ा था वो प्रसंग विश्वकर्मा जी के सामने आकर खड़ा हुआ था। जब संज्ञा छोटी थी, विश्वकर्मा जी की बेटी जब छोटी थी, सूर्य के तपन में खेला करती थी, सूरज की किरणें पड़ रही और संज्ञा उसमें खेल रही। आपका बच्चा धूप में अगर खेल रहा है तो आप के मन में करुणा आएगी कि नहीं आएगी? आप बोलोगे ए छोरा चलो अंदर, हे बाबू चलो अंदर, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, चलो अंदर चलो जरा, इतनी धूप में नहीं जाते बाहर, चक्कर आ जाते हैं, इतनी धूप में नहीं जाते। सूर्य की किरण अपार पड़ रही है और वहां संज्ञा खेल रही है, विश्वकर्मा जी की पुत्री खेल रही है। विश्वकर्मा जी की धर्मपत्नी ने आवाज लगाया, संज्ञा ए संज्ञा इधर आओ। संज्ञा आने को तैयार नहीं, खेलती रही, तब विश्वकर्मा जी ने उसको पकड़ा, पकड़कर अपने कक्ष में लेकर आए। विश्वकर्मा जी ने कहा, संज्ञा इतना तपन हो रहा है, इतना धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना सूर्य की किरणें पड़ रही है और तुम उस सूर्य की किरणों में खेल रही हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मुझे लगता है हमारी बेटी को सूर्य की किरणें अच्छी लगती है, इसलिए तपतपाती हुई किरणों में, सूर्य की तपतपाती हुई किरण के अंतर्गत धूप में हमारी बेटी चली जाती।
धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, संज्ञा बड़ी हुई। जब संज्ञा बड़ी हुई तब उनका विवाह का मन में भाव आया। तब संज्ञा को लेकर विश्वकर्मा जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं हाथी पर बिठा कर, कि मेरी बेटी को मैं ब्याहना चाहता हूं और इसके लायक जो वर होगा मैं उससे विवाह करूंगा। आपसे भी निवेदन है, अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है तो उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका वर होना चाहिए। तुम्हारी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। रामचरितमानस तक में वर्णन आया है कि सीता मैया की विद्वत्ता से दुगना विद्वान राम जी को ढूंढा गया था। सीता जी ने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था मात्र 6 वर्ष की आयु में, और जनक जी ने मन में संकल्प ले लिया था कि इसका पति वो होगा जो सीधे हाथ से धनुष को उठाकर चढ़ाकर तोड़ देगा, बेटी उससे ब्याह दूंगा। सीता 6 वर्ष की आयु में अगर धनुष को उठा सकती है तो इसका पति वो हो जो इस धनुष को उठाकर तोड़ दे तो बेटी